नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर बताया कि भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया और आतंकवाद, हिंसा एवं आम नागरिकों की मौत को लेकर चिंताओं को साझा किया। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। ये दिन श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत के रूप में जाना जाता है। साल 2022 में प्रधानमंत्री ने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि देश ने जब तक अपनी विरासत को भुलाए रखा, तब तक दुनिया ने भी प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन अब समय बदला है और दुनिया भारत की ओर आशा उम्मीदों के साथ देख रही है। 21वीं सदी में बनते भारत के लिए अमर बलिदान प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज का भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। उन्होंने कहा कि आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा पूरा भरोसा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। पीएम मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। साहिबजादों को अब दुनिया जानेंगी। अब अन्याय और अत्याचार का घोर अंधकार था, तब भी निराशा को हावी नहीं होने दिया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। देश के युवाओं से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी वो सारे फैक्टर एक साथ आ जुड़े हैं जिनसे स्वर्णिम भविष्य लिखा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ड्रग्स आज राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस परेशानी से उबरने में सरकार के साथ समाज और परिवारों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। ड्रग्स को रोकने के लिए समाज को आगे आना होगा। वीर बाल दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कोलकाता में गुरुद्वारा 12 सिख संगत में मत्था टेका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चारों साहिबजादों ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया। मैं उन बालकों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश को गौरवान्वित किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में सेवा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवा साहिबजादों के बलिदान से बहुत कुछ सीख सकते हैं और विकसित भारत बनाने में योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाल दिवस मनाना और साहिबजादों की शहादत को याद करना ये विकसित देश बनाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के गुरुद्वारा साहिब अमीरपेट में वीर बाल दिवस रैली में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि वो हमेशा भारतीयों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा और आदेश से गत वर्ष साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता मिली और आज पूरी दुनिया श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को याद कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को मॉस्को में भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रूस में रहने वाला भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों में सेतु की भूमिका निभा रहा है। लोकप्रियता के मामले में दुनिया में शिखर पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके बाद ये विश्व के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनके पास ये कीर्तिमान है। साथ ही 4.5 अरब यानी 450 करोड़ वीडियो व्यूज के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का चैनल राजनीतिक नेताओं द्वारा यूट्यूब पर पोस्ट किए जाने वाले वीडियो की गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कोलकाता में भाजपा बंगाल कोर कमेटी की बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश में भाजपा की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। भारत का स्वदेशी युद्धक जहाज INS इम्फाल आज नौसेना में शामिल हो गया। INS इम्फाल के नौसेना में कमीशन होने का कार्यक्रम मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि INS इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता और इसके निर्माण में शामिल सभी हितधारकों की मेहनत, लगन और समर्पण को दिखाता है। ड्रोन हमलों के कुछ दिनों बाद भारत के तट पर वाणिज्यिक जहाज के क्षतिग्रस्त होने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने अरब सागर में बढ़ रही गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल R. हरिकुमार ने कहा कि INS इम्फाल न सिर्फ समुद्र में हमारी सुरक्षा को मजबूत करेगा, साथ ही ये हमारी अखंड भारत की ताकत का भी सबूत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह में 1216 अभ्यर्थियों को PhD उपाधि प्रदान की गई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीयता हमारी पहचान है, भारत का हित सर्वोपरि है। हमने जो विरासत पाई है दुनिया के किसी देश ने ऐसी विरासत नहीं पाई है। हमने जो अप्रत्याशित प्रगति हाल के वर्षों में की है दुनिया उससे अचंभित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में एक बुजुर्ग महिला किसान के पैर छुए और वहां मौजूद किसानों को नए संसद भवन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। चक्रवात मिचौंग के बाद दक्षिणी तमिलनाडु में आई भीषण बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए तमिलनाडु का दौरा किया। उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के थूथुकुडी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कुरिंजी नगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग अगले साल 15 जनवरी को अपनी स्थापना के 150वें साल में प्रवेश करेगा। इसी कड़ी में आज पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में भारत मौसम विज्ञान विभाग का लोगो जारी किया। किरण रिजिजू ने इस मौके पर कहा कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में विज्ञान क्षेत्र की काफी अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अगले 25 साल के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, जो अमृतकाल के दौरान प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल ने दिल्ली में AICC मुख्यालय में बिहार के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर राज्य में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उनकी विचारधारा तुष्टिकरण पर आधारित है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया और कहा हिंदू धर्म एक धोखा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भाजपा नेता RP सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब अखिलेश यादव को देना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि सनातन धर्म को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने पल्ला झाड़ा। उन्होंने कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यक्तिगत विचार हैं और समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने उन्होंने ऐसे बयान देने से मना किया था, लेकिन वो अखिलेश यादव की भी बात नहीं मानते। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के विरोधी हैं।
22 जनवरी को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। इससे भगवान राम की एक झलक पाने के लिए अभी से देश दुनिया के श्रद्धालु उमड़ने शुरू हो चुके हैं। पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या के सरयू घाट और राम की पैड़ी पर सफाई कर्मियों से मिले और साफ सफाई कर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और हम अयोध्या नगरी को पूरी तरह से साफ और सुंदर बनाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले सियासत भी चरम पर है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने के बाद समारोह में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। वृंदा करात ने कहा कि हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। करात ने कहा कि हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वृंदा करात पर पलटवार करते हुए कहा, निमंत्रण सभी के लिए भेजे गए हैं, लेकिन केवल वो ही आएंगे जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्षी नेताओं के निमंत्रण पर दिए जा रहे बयान को भगवान राम का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि राम के अपमान का जवाब जनता चुनाव में देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद को संतुलित करार देते हुए कहा कि इसमें क्षेत्रीय जरूरतों का ख्याल रखा गया है। गरीब परिवारों को अगले 5 सालों तक दी गई निःशुल्क चावल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी गरीब परिवारों को अगले 5 साल तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिया है। इस फैसले से प्रदेश के अंत्योदय प्राथमिकता निःशक्त जन और एकल निराश्रित श्रेणी के 67,92,153 पात्र राशन कार्ड धारियों को पात्रतानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क चावल मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने श्री गंगानगर में कहा कि प्रदेश में 19 परीक्षाएं हुई और 17 पेपर लीक हुए। भाजपा ये सुनिश्चित करेगी कि इन पेपर लीक के पीछे के दोषियों को सजा मिले। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान में क्षमता विस्तार की आधारशिला रखी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि लोक चिकित्सा के पास हजारों वर्षों से मानवता को ठीक करने की एक समृद्ध विरासत है। यह हमारे समुदायों के बीच बना हुआ है और पीढ़ियों को उनके जीवन को समृद्ध बनाने में मदद कर रहा है। तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के नई टिहरी में बेटी ब्यारियों को कौथिक कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो देश भर में काम हो रहे हैं वो नए भारत की शानदार तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। मानव तस्करी के संदेह में पेरिस के पास वाटरी एयरपोर्ट पर 4 दिन से जिस भारतीय विमान को रोका गया था आखिरकार वो मुंबई पहुंच गया है। विमान में सवार सभी 300 यात्री सुरक्षित हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बेंगलुरु में कोविड एहतियाती उपायों पर कैबिनेट उप समिति की बैठक का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी कोविड के नए वेरिएंट JN1 34 मामले हैं, JN1 के 34 मामले हैं और हम स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बस में यात्रा की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बीजू जनता दल के 27वें स्थापना दिवस पर बीजू पटनायक पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता स्वर्गीय बीजू पटनायक को श्रद्धांजलि दी। गुजरात में सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नवनिर्मित टर्मिनल पर घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को टर्मिनल का उद्घाटन किया था। सोमवार को दिल्ली और हैदराबाद से 2 उड़ानें नए टर्मिनल पर उतरी।
2004 की विनाशकारी सुनामी की 19वीं बरसी पर तमिलनाडु के कडलूर जिले के मछुआरे और स्थानीय लोग आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से एम्स दिल्ली के विभिन्न विभागों से वरिष्ठ चिकित्सक आए। पिछले वर्षों की भांति इस बार भी इस शिविर का आयोजन स्थानीय सामाजिक संस्था सामुदायिक विकास समिति के सहयोग से दिल्ली दूरदर्शन के अवकाश प्राप्त कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर महेंद्र दुबे ने किया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अंतर शहर और लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स को डीजल बस की 1350 चेसिस की आपूर्ति का ठेका देने का फैसला किया है। वर्ष 2030 तक 45 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से अडानी परिवार हरित ऊर्जा इकाई में 9,350 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला कर चुका है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बैंक शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी के कारण सेंसेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सेंसेक्स 230 अंक की बढ़त के साथ 71,336 के अंक पर बंद हुआ। बाजार में सकारात्मक माहौल के कारण निफ्टी में भी बढ़त देखने को मिली। निफ्टी 92 अंक बढ़कर 21,441.35 अंक पर बंद हुआ। डॉलर के मजबूत रुख और विदेशी कोषों के लगातार प्रवाह के बाद रुपये में गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 83.19 पर बंद हुआ। फिनटेक कंपनी भारत पे का वित्त वर्ष 2022-2023 में परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 182% बढ़कर 904 करोड़ रुपए हो गया। कोका कोला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ अपनी साझेदारी को 8 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही कोका कोला ने ICC के साथ सबसे लंबे समय तक जुड़े रहने वाला ब्रांड वो बन गई है। घोषणा के बाद दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि इस दीर्घकालिक सहयोग से खेल के लिए रोमांचक संभावनाओं से भरे एक नए व्यावसायिक युग की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार द्वारा देश में दवा, LED, AC और इलेक्ट्रिक उत्पादों जैसे 14 क्षेत्रों के लिए PLI के तहत नवंबर 2023 तक 746 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने अपने IPO के कुल 5,500 करोड़ रुपए में 1,226 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपने सेल विनिर्माण संयंत्र की क्षमता बढ़ाने पर खर्च करने का फैसला किया है। ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक भविष अग्रवाल ने ई वाहन निर्माता कंपनी के आरंभिक IPO के तहत निजी क्षमता में से 3.48% शेयर बेचने का फैसला किया है। फिनटेक फर्म इनक्रेड नए और मौजूदा इन्वेस्टर्स से फंडिंग राउंड में 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने के बाद यूनिकॉर्न बन गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑडियो में वैश्विक अग्रणी बोस द्वारा भारतीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड नॉइज में 1 करोड़ के निवेश के बाद इसका कुल मूल्यांकन लगभग 42.6 करोड़ डॉलर हो गया है। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के जवाबी हमले को रोक दिया है और अब सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के शहर मेरिंका पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर दिया है। यूक्रेनी सेनाओं ने क्रीमिया में तैनात रूसी युद्धपोत को निशाना बनाते हुए क्रूज मिसाइल से हमला किया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। तुर्की में विभिन्न अपराधों के दौरान जब्त किए गए लगभग 23 लग्जरी कारों को अदालत के आदेश के बाद पुलिस वाहन में तब्दील कर स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया गया। अमेरिका द्वारा अपने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में चीन से संबंधित नकारात्मक सामग्री लागू करने पर चीन ने नाराजगी जाहिर करते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है। घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान मुद्दे पर किसी भी तरह की छेड़खानी चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसराइल और हमास के बीच जारी खूनी झड़प के बीच बेन्यामिन नेतन्याहू उत्तर गाजा में मोर्चा ले रहे अपने जवानों से मिलने पहुंचे। सैन्य बलों से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने की बात कही।
इसराइल फलस्तीन संघर्ष में युद्ध विराम की मांग करते हुए अमेरिका के मैनहट्टन में एक मार्च निकाला गया जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि क्रिसमस के लिए हम केवल युद्ध विराम चाहते हैं। सर्बिया में संपन्न हुए आम चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए हजारों प्रदर्शनकारी केंद्रीय चुनाव आयोग की इमारत के सामने एकत्र होकर पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकाल रहे थे। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद दक्षिणी थाईलैंड के कई प्रांत भीषण बाढ़ की चपेट में आने के कारण लोगों की जनजीवन वहां पर अस्त व्यस्त हो गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में बारिश के कारण पहले दिन का खेल जल्दी रोक दिया गया। खेल खत्म होने तक भारत ने 8 विकेट खोकर 208 रन बना लिए थे। भारत की ओर से केएल राहुल 70 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर मौजूद हैं। इसके अलावा विराट कोहली ने 38 तो श्रेयस अय्यर ने 31 रन की पारी खेली। रबाडा ने 5 विकेट लिए। मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 187 रन बना लिए। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मैच कल नेपियर में खेला जाएगा। इससे पहले खेली गई वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के नाम रही थी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया है। खिलाड़ियों ने बोर्ड से खुद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करने की इच्छा जाहिर की थी। भारत के सीनियर महिला हॉकी कोचिंग कैंप में 34 खिलाड़ियों का कोर ग्रुप हिस्सा लेगा। इस कैंप का उद्देश्य रांची में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर्स की तैयारी करना है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे देश में रेफरिंग की स्थिति की समीक्षा करने के लिए रेफरी समिति के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक 31 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना एस्टन विला से होगा। मैनयू पर 1962 के बाद पहली बार ओल्ड ट्रेफर्ड में लगातार 3 मैच हारने का खतरा मंडरा रहा है। सऊदी प्रो लीग में आज अल इतिहाद का सामना अल नसर से होगा। अल इतिहाद को अपने पिछले 2 लीग गेम में हार का सामना करना पड़ा था। ऑफिस ड्रामा पर आधारित चर्चित वेब सीरीज क्यूबिकल सीजन 3 का ट्रेलर जारी हो गया। अभिनेता अजय देवगन अपनी आगामी फिल्म सिंघम अगेन के सेट पर चोटिल हो गए। एक सीन को शूट करते समय अजय की आंख पर चोट लग गई। कंगना रनौत की फिल्म तेजस को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। फिल्म जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर प्रसारित होगी। मशहूर वेब सीरीज गुल्लक का 4th सीजन जल्द ही दर्शकों के बीच होगा। शो के कलाकारों ने इसकी शूटिंग शुरू कर दी। अभिनेता रामचरण भी इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के साथ जुड़ गए हैं। रामचरण ने बतौर मालिक हैदराबाद टीम के साथ करार किया है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। रिलीजिंग के महज 1 सप्ताह के भीतर ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से अधिक का कारोबार कर लिया है। एक्शन पैक्ड थ्रिलर सीरीज द फ्रीलांसर की रिलीजिंग से पहले निर्माताओं ने इसका BTS वीडियो जारी किया है। मोहित रैना स्टारर इस सीरीज के BTS में कलाकारों की जबरदस्त मेहनत को दिखाया गया है। अभिनेता वरुण धवन एक बार फिर अपनी आगामी फिल्म VD18 के सेट पर घायल हो गए हैं। वरुण को शूटिंग के दौरान पैर में चोट लगी है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता मोहनलाल की फिल्म मलाई कोट्टई वालीबन का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। पोस्टर में मोहनलाल अघोरी के किरदार में नजर आ रहे हैं। प्रभास की फिल्म सलार का नया गाना यारा रिलीज हो गया है। दोस्ती पर आधारित इस गाने को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से
सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रहे हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ।